गुड मॉर्निंग एवरी वन आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सेलेक्शन ऑफ इंश्योरर आप सेलेक्ट करोगे कि आप किस इंश्योरेंस uh, कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहते हो एज पर योर कन्वीनियंस देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप उसका जो भी प्रपोजल फॉर्म है वो फिल करेंगे तो आप क्योंकि प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप प्रपोजर कहलाएंगे तो जो भी आपके वेरियस पर्टिकुलर्स हैं जैसे नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस का वैल्यू टाइप ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड ये सभी चीजें जो है आप प्रपोजल फॉर्म में फिल करेंगे देन जो भी इंफॉर्मेशन है उसे फिल करने के बाद प्रपोजल फॉर्म में जो आपने फिल की है वो बेसिस बनेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो भी आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज एविडेंस ऑफ गुडविल दो टाइप्स के पर्सन होते हैं फर्स्ट टाइप के पर्सन वो होते हैं जो वेल नोन फिगर्स जिनके केस में करने की जरूरत नहीं पड़ती है और रिस्क आप कर सकते हो टाइप के वो पर्सन जो न्यू प्रपोजर्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं जो पर्सन हैं डाउटफुल इंटीग्रिटी के तो उन्हें कंपनी जो है एविडेंस फर्निश करने के लिए कह सकती है इंटीग्रिटी का किसी भी रिप्यूटेड पर्सन से सोसाइटी में या फिर जो एजेंट है उसे वो भी जो है ऑथराइज है सर्टिफाई करने के लिए कि जो प्रपोजर है वो उसको लंबे टाइम से जानता है जो फॉर्मेट है इस सर्टिफिकेट का जनरली प्रिंटेड होता है आपके प्रपोजल फॉर्म पे नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्रपोजल रिसीव करने के बाद जो इंश्योरर है वो थोरो स्टडी करेगा पॉसिबल रिस्क जो इन्वॉल्व है उसकी उसका सर्टन केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सर्वाइवर जो है उसको भी अपॉइंट uh, कर सकती है असेस करने के लिए जो भी सब्जेक्ट मैटर की कंडीशन है उसको सराउंडिंग्स जो है सिचुएशन की सब्जेक्ट मैटर की उसको और जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसको वो उसे uh, कहा भी जा सकता है कि आप वेरीफाई कीजिए जो भी डिटेल्स प्रपोजल फॉर्म में प्रपोजल ने मेंशन की है उसको भी देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म जहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है कंपनी है कम्पलीटली सेटिस्फाई हो गई है तो जो कंपनी है वो एडमिट करेगी आपका रिस्क और इंटीमेट करेगी अपना डिसीजन प्रपोजल को और इस स्टेज पर जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट मानी जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो जो रिस्क है वो उस डेट से एज्यूम्ड माना जाएगा जिस डेट को आपका जो प्रीमियम है कंपनी ने रिसीव किया है नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ कवर नोट एक जो कवर नोट है वो एक प्रोविजनल और इंटरम पॉलिसी होती है जैसे ही आप प्रीमियम डिपॉज़िट कर देते हो तो जो एजेंट है या जो डेवलपमेंट ऑफिसर सेल्स मैनेजर है कंपनी का वो आपको कवर नोट इश्यू करता है और एक जो कवर नोट है वो बाइंड कर देता है इंश्योरर को कंपनसेट करने के लिए आपका रिस्क देन आता है इश्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी लास्ट में जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको इशू होती है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिफाइन करती हैं कि पॉलिसी में क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा सिमिलरली जो भी आपकी राइट्स और ऑब्लिगेशन है इंश्योर और इंश्योर्ड की उसे भी वो डिस्क्राइब डिफाइन करती हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा टॉपिक क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में क्लेम क्या है एक रिक्वेस्ट जो आप कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को कि आपको री किया जाए जो भी आपका लॉस हुआ है वो तो जो एक क्लेम है इंश्योरेंस का वो फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है इंश्योरेंस कंपनी से जो आप कर रहे हो फॉर री एम्बर्समेंट एज पर दी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सबसे पहला है नोटिस या इंटीमेशन देना फायर का तो जो इंश्योर्ड है वो सेंड करेगा एक नोटिस ऑफ लॉस बाय फायर राइटिंग में इंश्योरर को एज एज पॉसिबल और विद द नोटिस उसे कोशिश करनी है कि वो सबमिट करे एविडेंस लॉस का एविडेंस इस चीज का कि उसने सब कुछ किया लॉस को अवॉइड करने के लिए और ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि जिस पॉलिसी जो है वो एग्जिस्टेंस में है देन नेक्स्ट इज योर एंट्री इन क्लेम रजिस्टर अपने आपको एक क्लेम नंबर देती है तो जो क्लेम रजिस्टर है उसमें सारी एज पर सेक्शन फोर्टीन बी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी एट हर एक जो इंश्योर है इंडिया में उसे एक रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स जो है मेंटेन करना होता है जिसमें वो एंट्री करता है हर एक क्लेम कि कि क्या-क्या डिटेल्स लिख के डेट ऑफ क्लेम लिख के नेम एड्रेस क्लेमेंट का मेंशन करता है और डेट जिस डेट को जो क्लेम है वो डिस्चार्ज किया गया अगर जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो डेट और कॉस्ट जो है रिजेक्ट का वो भी रजिस्टर में, में मेंशन किया जाता है नेक्स्ट स्टेप आता है इशू ऑफ क्लेम फॉर्म जब आपका क्लेम रजिस्टर हो गया है क्लेम रजिस्टर में तो जो इंश्योरर है वो आपको इशू करता है क्लेम फॉर्म जो इंश्योर्ड है वो फिल करेगा क्लेम फॉर्म और उसे रिटर्न करेगा इंश्योरर को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो क्लेम फॉर्म होता है वो इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट होता है हो सकता है इन जर्नल जो क्लेम फॉर्म है वो डिजाइन किया जाता है आपसे वेरियस इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिलेटेड टू क्लेम एंड क्लेमेंट देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज इंस्पेक्शन और सर्वे क्लेम फॉर्म रिसीव करने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट लाइसेंड प्रोफेशनल सर्वेयर को जो असेस करेगा लॉस को और जो कॉज है लॉस का उसको उसके बाद सर्वेयर इंस्पेक्ट करके साइट इन्वेस्टिगेट करके कि कॉज क्या था फायर का कितना लॉस हुआ है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है इंश्योरेंस कंपनी को अलोंग विद सम फोटोग्राफ्स एज अ प्रूफ नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज डिस्चार्ज वॉचर सर्वेयर की रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद अगर कंपनी सेटिस्फाई है कि जो लॉस है वो जेन्यन है और सारी फॉर्मेलिटीज ड्यूली कंप्लीट की गई हैं वो इशू करता है एक डिस्चार्ज वाउचर को और जो इंश्योर्ड है उसके वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है और उसे रिटर्न कर देगा इंश्योर को देन आता है आपका नेक्स्ट स्टेप पेमेंट ऑफ क्लेम डिस्चार्ज वाउचर मिलने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है पेमेंट करती है इंश्योर्ड को ट्रांसफर कर देती है जो भी अमाउंट है उसके बैंक अकाउंट में थ्रू जो पेमेंट है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा क्लेम रजिस्टर और क्लेम uh, का पेमेंट करते टाइम जो भी पेमेंट है प्रोपोर्शनेट प्रीमियम की फॉर द री ऑफ पॉलिसी उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा और जिसका इंटीमेशन है जो वो इंश्योर को सेंड किया जाएगा नेक्स्ट लास्ट स्टेप है दैट इज रिजेक्शन ऑफ क्लेम ये जब कंपनी ने अगर रिजेक्ट किया है क्लेम तब ये स्टेप आता है तो जो कंपनी है वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है किस-किस ग्राउंड -किस पर अगर क्लेम फ्रॉडुलेंट है अगर जो लॉस हुआ है वो ड्यू टू फायर नहीं हुआ है जो लॉस था वो इंटेंशनल था जो इंश्योर्ड है उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है एट द टाइम ऑफ लॉस या जो इंश्योर्ड है उसने किसी भी तरीके का जो मटेरियल फैक्ट है वो कंसील किया है वो छिपाया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिजेक्ट कर सकती है आपका क्लेम तो ये था हमारा चैप्टर नंबर थ्री फायर इंश्योरेंस इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच